हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, मैं हैरी गिल आप सभी का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है एक SME IPO जिसका पूरा कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का पूरा नाम है अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड। इस IPO का पूरा डिटेल रिव्यू आपको देंगे, आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। IPO की ओपनिंग दोस्तों 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हो रही। इस बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास में समय है। आपको पूरा सबसे पहले एनालिसिस कर लेना है इस कंपनी के बारे में, पूरी डिटेल निकाल लेनी है, उसके बाद में इस बीच में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आपको इस IPO की पूरी फुल डिटेल मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, अबाउट दी कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी का क्या काम है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी 17 साल 10 महीने पुरानी कंपनी है दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 17 मार्च 2005 में दोस्तों इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी का जन्म हुआ है और कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है वडोदरा गुजरात इंडिया में। दोस्तों इसका हेड ऑफिस है और आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वडोदरा गुजरात इंडिया में है। और कंपनी के अगर दोस्तों बात करें, डिटेल में जाएं, तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है कंपनी की वो 8 करोड़ है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 8 करोड़ इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। पेडअप कैपिटल की बात करें तो 5 करोड़ है और जे एज पर MCA, जो कि दोस्तों MCA की साइट है, वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन है। 5 करोड़ इसकी पेडअप कैपिटल और 8 करोड़ इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये दोस्तों इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब जानते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या वर्क्स हैं। वर्क्स ऑफ द कंपनी को हम लोग डिटेल में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसका लास्ट कुछ ईयर्स का फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि कंपनी वर्क क्या करती है। कंपनी दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, एक एग्रोकेमिकल कंपनी है ये। कंपनी मेनली इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करने में, फार्मुलेशन में और सप्लाइंग में, पैकेजिंग में और जॉब वर्क्स ऑफ सर्विसेज ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड, जितने भी पेस्टिसाइड्स बनते हैं उसके सारे प्रकार के जितने भी जॉब वर्क सर्विसेज होती हैं उसके काम में कंपनी इंगेज है। कंपनी का ये मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग, फार्मुलेशन, सप्लाइंग, पैकेजिंग और जॉब वर्क सर्विसेज ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स। और इसके अलावा देख पा रहे होंगे कंपनी डिलीवर करती है अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए और एक वाइल्ड वैरायटी ऑफ अदर एग्रोकेमिकल्स को ये प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी ये अपने माल को सप्लाई करती है। ये दोस्तों इस कंपनी के वर्क्स हैं, कंपनी एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। आइए अब आगे चेक करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले कुछ सालों में। तो उसका फाइनेंशियल ईयर्स में हम लोग कंपेयर करके चेक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 22 के बीच में कंपेयर करेंगे, लास्ट क्वार्टर को भी हम लोग देखेंगे 2023 के। रेवेन्यू की बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बात करेंगे और नेट इनकम क्या है कंपनी की, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू को। कंपनी की जो रेवेन्यू है 2020 की बात करें तो 235 करोड़ से ज़्यादा रही है 2020 की बात की जाए। उसके बाद में कंपनी की रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर की बात करें 2021 में 20 के मुकाबले में कुछ कम रही है। हम लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 196.06 करोड़ रही है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 को देखें तो यहाँ पर 191.17 करोड़ रही, कुछ और कमी है। रेवेन्यू लगातार कुछ कंपनी की कम हुई है और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 151.56 करोड़ के आसपास ये कंपनी की टोटल रेवेन्यू रही है। अगर एक्सपेंसेस देखें तो 199.84 करोड़ 2020 में, उसके बाद में एक्सपेंसेस थोड़े से कम किए गए 165.73 करोड़, उसके बाद में 163.99 करोड़ 2022 में और लास्ट क्वार्टर में 125.47 करोड़। यहाँ पर क्या है कि अगर रेवेन्यू कम हुआ तो एक्सपेंसेस भी कंपनी ने कंट्रोल किए हैं ताकि अपनी नेट इनकम को अच्छा कर सके। 1 करोड़ रही 2020 में और 1.07 करोड़ रही 2021 में और 2022 में 1.46 और लास्ट क्वार्टर में 2.59 करोड़ का दोस्तों नेट इनकम कंपनी का हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कंपनी ने अपनी नेट इनकम को इम्प्रूव किया है, अच्छा बनाया है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के वैल्यूशंस की, मार्जिनस की, कंपनी का वैल्यूशंस क्या रहा है इन 3 ईयर में, इसको भी कंपेयर करेंगे 2020 से लेकर 22 के बीच में। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, PE रेशियो देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो, नेटवर्थ रिटर्न और नेटवर्थ देखेंगे, लास्ट में नेट एसेट वैल्यू को चेक किया जाएगा, इसकी कंपेयर की जाएगी इन 3 सालों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की, 2.02 रहा है 2020 में और 2.15
या 2021 में, उसके बाद में फिर इम्प्रूव हुआ 2.93 हो गया 2022 में, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देख रहा है अर्निंग पर शेयर में। उसके बाद में पी रेशियो देखें तो इसमें जो इन्होंने प्राइस 72 का रखा 72 का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 24.57 का पी रेशियो आ रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज के रूप में है 8.19%, उसके बाद में 2021 में 8.04%, उसके बाद में 10%, यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू को देखें 24.63 थी 2020 में, उसके बाद में इम्प्रूव किया और आगे बढ़ी 26.79 हो गई, और लास्ट में देखिए 29.71 हो गई। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, तो जहाँ तक लग रहा है कंपनी आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी, और यहाँ से इसके स्टॉक मार्केट के जो शेयर रहेंगे दोस्तों उसमें भी पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं IPO की डिटेल की। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में समय है, 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें IPO के प्राइस का प्रति शेयर का, तो 72 रुपये प्रति शेयर रहने वाला है, 72 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको शेयर्स लेने होंगे। यहाँ पर जो फ्रेश इशू है दोस्तों वो कंपनी का टोटल 13.05 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल निल है, नहीं है, तो टोटल IPO की अगर बात करें तो ये फिर हो जाता है 13.05 करोड़ का, और मिनिमम एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेंगे और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,15,200 रुपये का। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये प्रति शेयर रखी गई है। रिटेल एलोकेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 50% का हिस्सा रखा गया है, तो 50% रिटेल कैटेगरी के हम लोगों में से जो भी साथी हैं वो यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी दिखा सकते हैं, और NSE इमर्ज पर कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल की कि किस डेट को क्या होगा। तो सबसे पहले इवेंट डेट्स पर ध्यान दे लेते हैं, कौन से इवेंट्स किस डेट को होने वाला है। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग 16 जनवरी थी जो कि निकल चुकी है, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 19 जनवरी रहने वाली है, इस बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 24 जनवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, अगर आपके हिस्से में ये शेयर आने वाले हुए, अगर आप लकी हुए तो आपको अलॉटमेंट होगा 24 जनवरी को, और अगर आपको नहीं होता तो 25 जनवरी को आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो 26 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है 27 जनवरी रहने वाली है, इस बीच में आपको IPO के सारे इवेंट्स दिख रहे हैं, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारी इवेंट्स डेट रहने वाली हैं। अब आगे बात कर लेते हैं लॉट साइज की, और उसके अलावा फिर आगे और बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 1600 शेयर लेने होंगे, 1,15,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, मैक्सिमम भी सेम रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है। अगर आप HNI मिनिमम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट लेने हैं, और यहाँ पर आपका टोटल शेयर्स जो हो जाते हैं वो 32 हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको 2,30,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चेक करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या रहने वाली है। IPO में प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो प्री इशू की बात करते हैं तो 100% टोटल हिस्सा प्रमोटर्स के पास में था, अब पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 73.37% रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी इस IPO को लेकर, फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इस वजह से, क्योंकि बहुत ही कम शेयर कंपनी पब्लिक को दे रही है और मैक्सिमम हिस्सा अपने पास रख रही है। इसमें अगर GMP की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 20+ का दोस्तों इस समय इसका GMP दिख रहा है, लगभग 25% से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस हैं तो मैं आपका आंसर देना चाहता हूं। तो यहां पर आप लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटस को देखें तो इस हिसाब से आप लोग इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स भी आपको यहां पर मिल सकता है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में होना चाहिए ऐसा डीमैट अकाउंट जिसके जरिए आप लोग अप्लाई कर सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा डीमैट अकाउंट बजाज सिक्योरिटीज का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उस पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।